नमस्कार, मैं शालिनी शुक्ला, जर्नी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। करते हैं चर्चा भाजपा पार्टी के बड़े फैसले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए जुट गई है। पार्टी जिन राज्यों में विपक्ष में है, उन राज्यों को मजबूत और संगठन से जुड़े रखने के लिए नेताओं की तैनाती कर दी है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को सफल बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं पर सबसे अधिक है, लेकिन बीजेपी के लिए साल 2023 ज्यादा चुनौती भरा लग रहा है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को कुछ राज्यों में तो ढील मिल सकती है क्योंकि वहां बीजेपी की ही सरकार है, मगर अन्य राज्यों में सफर आसान नहीं है। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए आज गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें बिहार अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर संजय जायसवाल की छुट्टी कर दी है। फिलहाल सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है और कोरी समाज से आते हैं। इससे पहले वे पिछली एनडीए सरकार में मंत्री थे। वहीं बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने सम्राट चौधरी को एमएलए, एमएलसी, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वैसे आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वहीं राज्य में सत्ता से हटने के बाद अगस्त 2022 में बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि इस बैठक में आगामी आम चुनाव में बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया गया था। वहीं इसके लिए संगठन को मजबूत करने और संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव करने पर सहमति बनी थी। इसी में तय किया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष भी नया बनेगा। वहीं तब बीजेपी की ओर से इसका ऐलान नहीं किया गया था, मगर अब सम्राट चौधरी पर ही मुहर लगा दी गई है। वहीं बता दें कि पहली बार राबड़ी सरकार में मंत्री बने थे सम्राट। ये कई लोगों के मन में भी सवाल होगा जानने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार फिलहाल बीजेपी की ओर से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में एंट्री की थी। वहीं 1995 में एक राजनीति केस में 89 दिनों के लिए जेल भी काटी थी। साथ ही बता दें कि पहली बार 1999 में राबड़ी मंत्रिमंडल में कृषि विभाग के बिहार में मंत्री बने थे, लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भी थे, पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। तभी अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार का काफी मुखर होकर विरोध शुरू किया था। इसी के साथ बात करते हैं आरजेडी से करियर की शुरुआत को लेकर। सम्राट चौधरी साल 2000 और 2010 में प्रवक्ता से चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। वहीं साल 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य संचेतक बनाया गया था। वहीं 2 जून 2014 को उन्होंने बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 2018 में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वैसे भाजपा में शामिल होने से पहले वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जनता दल से भी जुड़े रहे थे। वही बात करें अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्टार प्रचारक बनाया गया था। वही जानते हैं कि सम्राट चौधरी के परिवार के बारे में। सम्राट चौधरी कोहरी जाति से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय तक वे बीजेपी का ओबीसी चेहरा रहे। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम शकुनी चौधरी है। पृथ्वी गांव मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। वैसे सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं। वही माता पार्वती तारापुर से विधायक रही। वही स्कूली पढ़ाई बिहार में करने के बाद सम्राट चौधरी ने मुंदेर में कामकाज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसी के साथ बात करते हैं किस वजह से मिली है सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने जिम्मेदारी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दी है। वो कुशवाहा समाज का हिस्सा है। इसके अलावा वो काफी समय से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे थे। इससे पहले उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने सीएम नीतीश के खिलाफ उन्हें उतारा है, वे कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी की तरफ ला सकते हैं। वैसे जिस तरीके से भाजपा पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, सम्राट चौधरी को इतना बड़ा पद दिया है, तो क्या लगता है कि 2023 में जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या सम्राट चौधरी की वजह से बिहार में भाजपा पार्टी की जीत होगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।